अगली आयत पढ़ें। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। इफिसियों दूसरा अध्याय उसकी आठवीं आयत पर जरा गौर करें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हुआ था नहीं, हुआ होगा नहीं, हुआ है, हुआ है। ऊंची आवाज में बोलिए, हुआ है, हुआ है, आमेन, हुआ है, आमेन। आप वर्तमान काल में है, आमेन। आपका उद्धार हो चुका है, आमेन। आप उद्धार में, अभी आप उद्धार में बैठे हैं, अभी इस वक्त आप उद्धार में आनंद ले रहे हैं, आमेन। अभी इस वक्त आप उद्धार में, पापों से उद्धार में खड़े हैं, पापों से छुटकारा पाकर उद्धार में खड़े हैं, आमेन। फिर से पढ़ो जरा ऊंची आवाज में। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, आमेन। ऊंची आवाज में बोलिए, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, मेरा उद्धार हुआ है, आमेन। आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्माओं का, शैतान की शक्तियों का, कर्जे का, अकाल का, भुखमरी का, परेशानियों का, कलेश का, लड़ाइयां झगड़ों का आपके घर में कोई काम नहीं है, आमेन, आमेन, आमेन। भैया आपके घर में काम किसका? केक काटने का। आपके घर में काम किसका है? फ्रूट का। आपके घर में काम किसका है? आनंद का। आपके घर में काम किसका है? जश्न का। आपके घर में काम किसका है? आराधना का। आपके घर में काम किसका है? यीशु की तारीफ, यीशु की महिमा, यीशु के नाम को ऊंचा करने का। आपके घर में काम किसका है? पत्नी पत्नी से कहे आई लव यू, पत्नी पति से कहे आई लव यू, बच्चे माता पिता से कहे मम्मा आई लव यू, और मम्मा पापा बच्चों से कहे लव यू टू बेटा। इसका काम है आपके घर में। प्रेज द लॉर्ड। इसका काम है आपके घर में। शैतान कहेगा लव यू बोल के दिखा, बताता हूं तुझे मैं, अपनी घर वाली नू कह ना दई, तेनू दसता मैं। किसे होर ते नजर मारना, इधर उधर भी देख लिया कर थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कई बार ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है, पर वापस रिपेयर कर आती तो वही है, वापस यीशु के पास आ जाए, आमेन। प्रॉब्लम हुई, गलती हुई, नाकामियां लापरवाहियां हुई, कोई बात नहीं, वहीं पर पश्चाताप करो और यीशु से कहो प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं वापस आ रहा हूं, वापस आ जाओ, मुड़ आओ। वो गीत है ना, आ बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, गाओ जरा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो खो रहा, तू आजा घर लौट आ, आ बेटे घर लौट आ, यस, वापस लौट आओ। आप बेटे बेटियां हैं यीशु की,
आप लड़के लड़कियां हैं यीशु के, आप परमेश्वर की संतान है, वापस लौट आओ। मैन कहीं फंसे हैं पिछले समय में, एक बिल्ली का पैर किसी चीज में फंस गया और वो चिल्लाने लगी, तीन चार बिल्लियां आ गई वहां उसको छुड़ाने के लिए। मैंने पहली बार ऐसा देखा, बिल्लियां पूरा जोर लगा रही, किसी तरीके से पता नहीं तुक्के से वो बिल्ली वहां से निकल गई। लेकिन कितनी गजब की बात है, किसी को थैंक यू नहीं बोले और वापस दौड़कर अपने घर में जहां जाना था वहां घुस गई। मनुष्य ऐसा नहीं है, आप मनुष्य हैं, इसलिए यीशु ने मनुष्य बनकर आपको पाप के शिकंजे से बाहर निकाला। मैन मैन, और आप यीशु का थैंक्स करते हुए आगे बढ़े, तब देखिएगा आप भी बहुतों को अपराध के शिकंजे से बाहर निकालेंगे। आमेन। और जैसे आप बहुतों को आजादी का कारण यीशु को बनाएंगे, तो देखिएगा आप क्या होगा, लोग आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। आमेन। क्योंकि आप मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप अभ्यास बंद मत कीजिए, गवाही देना बंद मत कीजिए, यीशु की महिमा करना बंद मत कीजिए, करते रहें, कुछ हो जाए यीशु का नाम ऊंचा बोलिए ना, यीशु का नाम ऊंचा होता नहीं रहे, करते रहेंगे, यीशु का नाम ऊंचा करते रहेंगे, करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभ्यास कीजिए आपके अंदर कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, जरा एक बार उस आयत को पढ़ दो, जरा कौन कौन सी बातें आप में नहीं होनी चाहिए, इसका आपको अभ्यास करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है आप शैतान के स्कंजे में नहीं है, क्योंकि आपको वचन याद हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ ये आयत पढ़ेंगे जी, पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते, सुनिएगा, क्या तुम नहीं जानते किसको कहा जा रहा है, बोलिए मुझे कहा जा रहा है, मुझ किसको कहा जा रहा है बोलिए ना, मुझे कहा जा रहा है, हाँ आगे पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कौन से लोग? अन्यायी लोग। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ना होंगे। अन्यायी, बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह से बक देना, अंदाजे लगाना, शायद मेरे ख्याल से ना अपोस्टल जी मेते से लारी से गल, न्याय अन्याय गलत न्याय हमें शोभा नहीं देता जी। आगे पढ़े, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, रोटी खाओ, बैंगन खाओ, हाँ जी ये धोखा क्यों खा रहे हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। एक भाई से मैंने पूछा कितने साल आपको प्रभु में हो गए, भाई ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया 15 साल। ये कौन सी पी रहे हैं, मैंने पूछा ये कौन सी पी रहे हैं, उन्होंने नाम बताया, फलानी फलानी पी रहा हूं। तो 15 साल में क्या सीखा अगर चर्च में, सारे पीते हैं जी मैं भी पीने लग गया, ये जवाब था उसका, सारे पीवा मैं कोई कल्ला पी रहा, ऐसे वर्डिंग थी उसकी।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल क्या कहती है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। आप अभ्यास कीजिए सही जीवन जीने का। जी आगे पढ़े, ना वैश्यागामी, ना वैश्यागामी, ना वैश्यागामी। क्या होता है वैश्यागामी? अजड़े कोठे ते जांदे ने, जड़े धंधा करते ने पैसे देकर सिन में जीवन व्यतीत करते हैं। गलती हुई मैं मानता हूं, लेकिन वापस लौट आइए। आमेन। वापस लौटने में स्वर्ग राज्य आपका है। आमेन। धोखा ना खाओ, खाना है ता वचन खाओ, खाना है ता परमेश्वर की वाणी खाओ, पर धोखा ना खाओ। जैसे 25 दिसंबर आने वाला है, अब पिछली बार वो पी थी, इस बार ये पिएंगे। 25 दिसंबर के वक्त में बहुत से लोग बड़ी बड़ी बोतलें उठा लेते हैं। एक बार मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया, बता दूं कौन कौन कहता है, बता दूं, चलो सुनो फिर। एक मीटिंग में बुलाया गया, मैं उस मीटिंग में चला गया। बड़े बड़े लोग आए हुए थे उस मीटिंग में, बड़े बड़ी हस्तियां जिनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं। मैं भी चला गया अपनी छोटी सी गाड़ी मारुति कार लेकर, जाके गाड़ी खड़ी की, अंदर गया और वो बड़े बड़े लोग देखा तो क्या कर रहे थे, आपस में कह रहे, जी जय मसीह, जय मसीह। मैं भी कहता जय मसीह, मैं अपनी घर वाली नूं कहन लग्या भी ये तो रब दे लोग ने। थोड़ी कु देर बाद की देखिया, उन्हां दे कप्पां दे रंग बदल गए, ग्लास दा रंग बदल गया। मुझे संदेश आया, आजो तुसी भी आजो। मैं नहीं आता, बाइबल में लिखा है कि किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, कौन मार खाकर सुबह कहता मुझे किसने मारा, कहता है तेर लाल रंग से गिरने वाली तेज धार को देखना भी मत। ये ठेके ते खड़े हो जाते ने जाके, वो कहता है देखना भी मत। मुझे कहते आ जाइए, मैं कहा भैया मैंने जय मसीह की इसलिए नहीं बोला, मैंने जय मसीह की इसलिए बोला क्योंकि यीशु के मुताबिक चलना है। आमेन, आमेन। इतने से क्या होगा, अल्कोहल कम है इसमें, अल्कोहल मैंने बोला आप पियो, वो कम भी पीने के बाद वो ऐसे हो रहे थे कम। मेरे कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस समाज को मैं बोलना चाहता हूं जो मेरी तरह हिंदू परिवार से प्रभु में आ रहे हैं। आप ठोकर खाते हैं, आप कहते हैं वो क्रिश्चियन है सर शराब पीता है, ध्यान से सुनिएगा, वो क्रिश्चियन है ही नहीं। मैं स्क्रीन पर बोल रहा हूं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति शराब पीता है, आप मसीह नहीं है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है और आप कहते हैं जय मसीह की, तो अपने मुंह से यह बोलना बंद कर दीजिए। आपको अभ्यास करना है खुद को बचाने का और दूसरों को बचाने का। अच्छा सच बता, ऐसा है या नहीं, ऐसा है ना? आपको ऐसा मसीह बनना है कि वो लोग आपको देखकर सुधर जाएं। मुझे देखकर बहुत से जन्म से जो मसीह हैं वो सुधर गए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर यीशु को जान लिया। प्रेज द लॉर्ड। धोखा ना खाओ, परमेश्वर
भट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जी आगे। ना मूर्ति पूजक, ना मूर्ति पूजक। ओ मूर्ति पूजा, आजकल तो मैंने देखा डॉक्टर अंबेडकर जी को फॉलो करने वाले भी छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा है या नहीं? भीम नाम से एक संस्था है, भीम, वो बंद कर रही है। यीशु की मूर्ति बनाकर, यीशु की मूर्ति बनाकर बहुत से लोग अपने घरों में लगाते हैं, यीशु के पोस्टर बनाते हैं। जैसे देखिए यहां, देखिए इधर, वहां फोटो है लेकिन साथ में वचन है ताकि आपको समझ आए। कुछ समझ पा रहे? बहुत से लोग स्पेशल आकर कहते हैं यीशु की फोटो दे दो। वो फोटो किसकी है जरा देखिए तो सही। अभ्यास कीजिए सही मसीह बनने का, अभ्यास कीजिए सही क्रिश्चियन बनने का। सोचिए आपने यीशु की मूर्ति बनाकर घर में लगा ली, यीशु जब आएगा तो क्या करेगा? यहां लिखा है यीशु स्पष्ट कह रहे हैं मूर्ति पूजा ना करना, मेरी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा ना करना। हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं ईसाई समाज को यह बात कहना चाहता हूं कि बाइबल यूं कहती है कि ईसा मसीह की, यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा ना करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।